अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और भाई कितनी ज़्यादा गर्मी है बाहर, अंदर मैं बैठा हूँ यार एसी के अंदर। मैं तो आप लोगों का सोच रहा हूँ जो बाहर घूम रहे होगे गर्मी के अंदर, तो आप लोगों को ऐसे महसूस हो रहा होगा यार कितनी गर्मी है, गर्मी है, गर्मी। तो यार कोई बात नहीं यार, गर्मी होती रहती है, दुआ किया करें बारिश हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर ठंड बन जाएगी थोड़ी। तो अभी मैं जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ शिपमेंट जो आज हमने शोरूम के अंदर मंगवाई है। सिविक्स, क्रोला, मार्क एक्स, बहुत सारी गाड़ियां मंगवाई थी और वो बिक गई हैं, तो ये तीन गाड़ियां बाकी बच गई हैं। तो अभी देखते हैं क्या होगा। अपना नजरिए पास रखो, मैं अपना नजरिया रखता हूं। ये देखो साले साहब, काम चोरी की हदें होती हैं भाई। साले साहब लगे रहो ठीक है, मैं आता हूं, काम शुरू कर दो ठीक है। एक चमाट मारूंगा ना तेरे मुंह पे। ये आधा शोरूम किसने साफ किया, हट जा चल सामने से। मैंने साफ करना, मैंने किया यार, मैंने बड़ा एहसान किया। यहाँ पर लगा हुआ काम चोर आदमी, काम चोर तू है, ऊपर बैठा हुआ सुबह से पता नहीं किसके साथ फोन पे लगा हुआ है। मैं जब जाता हूँ साथ में फोन पे लगा हूँ, मैं जब जाता हूँ तू मुझे ऑफिस से निकाल देता है यार, और तू हंस हंस के फोन देख रहा है, मुझे सारे तेरे लक्षण समझ आ रहे हैं। हंस हंस के क्या फोन देख रहा हूँ, वो मैं बात कर रहा था, वो पर्सनल बात होती है कोई। अच्छा ना, इतना क्यों मुस्कुराता है तू, है मुस्कुराता है, तकलीफ होती है तुझे मुस्कुराता हूँ तो? हाँ बुरा लगता है, तू जब मुस्कुराता है मुझे बुरा लगता है। मैं कहता हूँ तू हर वक्त रोता रहे, रोता रहा बेईमान आदमी। अच्छा छोड़ चल, लंबी बातें ना लगा, मुझे बता कि जिमी किधर है, अभी तक क्यों नहीं आया? मैं खुद यही पूछने आया था। वाह यार वाह, बेटा तेरा है और मुझसे पूछने आया। सच बताना तो वो ट्यूशन गया होगा अभी तक तो। यार जिमी इतना जहीन है, तूने क्यों उसे ट्यूशन डाला है? यार बस मैंने कहा यार थोड़ा पढ़ लेगा, तेरे साथ घूमता है वैसे जाहिल बन जाएगा, फिर वो भी झाड़ू लगा रहा होगा किसी के घर में। मेरी वजह से ही तो जहीन है वो। हाँ वैसे चला तो तेरे पे ही गया, अपने मामू जी पे ही चला गया, ठीक है तेरे वाले काम है। कहता है बड़ा होके मैं झाड़ू लगाऊंगा शोरूम में, ये करूंगा। मैंने कहा वो बेटा तू छोटे होते वक्त भी लगा ले। रहने दे, दो तेरे मुंह पे लगाऊंगा ना, ज्यादा लंबी लंबी लगा रहा है। जानता नहीं मैं तेरा बहनोई हूँ। अच्छा सॉरी। हाँ ठीक है ना, जैसे मेरी बहन ने तुझे सीधा करके नहीं रखा हुआ ना, है ना। अच्छा ठीक है, ज्यादा नहीं बोल रहा, पता कर रहा जिमी का। चला दोनों चलते हैं शोरूम पे। कौन बैठेगा शोरूम पे? बाबा है ना ये, था किस काम के लिए ये बैठा हुआ इधर टोनफुल। बीते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा जी, क्या हुआ उदास क्यों? बीते तनख्वाह दे दे मुझे, अभी महीने की क्या तारीख होगी है, 11 तारीख होगी है और तनख्वाह नहीं दी। अच्छा बाबा जी गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ये ले तनख्वाह ले लें बस ठीक है। और मेरी तनख्वाह किधर है? इस भिखारी को भी अभी तनख्वाह देनी। यार तू मेरा साला है यार, देख भाइयों वाली बात है तेरे साथ तो। अभी भाइयों वाली बात हो गई है, काम कराने के वक्त मैं मुलाजिम हूँ, मैं फलाऊ हूँ, मैं ये हूँ, अभी मैं साला हो गया हूँ तेरा। वाजी भाई रिश्तेदारियाँ अपने पास रख, तनख्वाह मेरे हाथ पे रख। अच्छा ये ले मर, 20,000 रुपए बहुत है ना। अब मुंह पे मारूंगा एक तुझे, 80,000 की बात हुई थी हमारी। ओए 80,000 क्या हो गया, चरस पी गया है। 30,000 से ऊपर मैं नहीं दे रहा। 30,000 से ऊपर क्यों नहीं दे रहा भाई, जितनी गाड़ियों को मुनाफा है वो सारा तीन हिस्से में कर, और मुझे भी दे और ड्राइवर को भी दे। अच्छा ना अभी तो ये गाड़ियां बिकी नहीं है इस मंथ में। अभी तो मैं 30,000 लेके चुपचाप जा रहा हूँ, बाद में मैं आऊंगा हिसाब करूंगा तेरे साथ। हाँ जाऊंगा नहीं, आ जा ट्यूशन का, मैं तुझे रास्ता भी बता देता हूँ, फिर जिमी को तू ले जाया करनी ठीक है। चल ठीक है मैं आ जा। बस ये झाड़ू रख के आ रहा हूँ। मैंने उसे यार स्कूल वाली अकेडमी में डाला हुआ है ट्यूशन, मैंने कहा यार उधर अकेडमी में पढ़ लेगा जरा बच्चों के साथ, वैसे बेगैरतियां तो करता रहता है हर टाइम ठीक है, तो जरा पढ़ने चला जाए तो अच्छी बात होगी। अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी के शशके देखो आप लोग। ओए होए होए, एक बार दोबारा से स्टार्ट करता हूँ इसे मैं, आप लोग देखना जरा कैसी जबरदस्त स्टार्ट होती है। तो ये देखना गाइज आप लोग, ओहो क्या बात है, क्या बात है। फ्रैंकलिन आ जा भाई। आ रहा हूँ यार, टेंशन क्यों ले रहा, पता नहीं कब आएगा यार ये आदमी, अजीब मत्थे लगा है कसम से। चलो यार खोलता हूँ दरवाज़ा, आ जा भाई, कहाँ रह गया है, पता नहीं कहाँ चला गया यार ये। ओ फ्रैंकलिन आ जा भाई। आ रहा हूँ यार, टेंशन क्यों ले रहा है, आ रहा हूँ। पता नहीं चरस पी के कहाँ घूम रहा है वो। झाड़ू संभाल के रखना था ना भाई। अच्छा, बाद में मिलता नहीं है, मैं ढूंढ रहा होता हूँ मिलता नहीं है। चलो कोई नहीं। देख गाड़ी देख रहा है। हाँ गाड़ी तो देख रहा हूँ, लेकिन इज्जत तू मेरी बहुत करता है यार। हाँ कोई नहीं यार, साला देख इज्जत तो देनी पड़ती। हाँ मेरी वजह से गाड़ी अंदर ले आया तू शोरूम के। हाँ मैंने कहा यार ऐसे ही तू आते आते थक जाएगा है। हाँ किसी टीचर के घर डाला है क्या ट्यूशन जिमी को? यार मैंने कहा उसे अकेडमी में डालता हूँ, अकेडमी में सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ लेगा ठीक है। हाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ लेगा, सब्जेक्ट। हाँ सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं। बड़ा पढ़ा है यार आजकल तो तू। हाँ बस जिमी आता है ना अकेडमी में पढ़ के आता है, तो फिर मुझे ही थोड़ा पढ़ा देता है यार। उसको कहा कर ना थोड़ी मेरी भी क्लास ले लिया करे। हाँ तुझे तो ज्यादा आती है यार इंग्लिश सही आती है तुझे, अच्छी आती है। किधर यार, मैं खुद भी ट्यूशन कहीं लगवा लूँ, दिल कर रहा है। हाँ लगवा ले, अब तो तेरा बच्चा भी हो गया, उसी के साथ ट्यूशन पढ़ना, प्ले ग्रुप में एडमिशन करवा ले अपना। प्ले ग्रुप में नहीं भाई, इतना मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, प्ले ग्रुप में जाता अच्छा लगूंगा। अच्छा किसी और क्लास में ले ले, नर्सरी में ले ले। मुंह पे मारूंगा यार, तू वेलिया मारता रहता है। वो फ्रफ होती है, फ्रफ उसमें प्रेप होती है वो। हाँ वो PREP, प्रेप, वही होती है ना। हाँ हाँ वही होती है, उसमें भी तू मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा।
नहीं नहीं मैं तो सारी क्लासों में बारी बारी पढ़ता था यार, कभी एक क्लास के बाहर खड़ा होता था, कभी दूसरी क्लास के बाहर। तो बाहर खड़ा होकर तू करता क्या था? यार मैं बस वो पानी पीने चला जाता था, फिर टीचर कहती थी बेटा अभी बाहर खड़े रहो, बाहर पूछे जाता था ना, ये बात है। फिर तुझे पता है भाई के स्टाइल तो है। हाँ बहुत स्टाइल है। क्या बहुत स्टाइल है यार? ये जिमी को वापस छोड़ो ना, उस बात को छोड़ो, मैं पूछ रहा था कि जिमी को वापस आने के लिए क्या वैगन वगैरह लगवा के दिए कोई? वैगन किस लिए लगवा के देनी है, पैदल टांगे हैं ना उसके पास। पैदल टांगे का क्या मतलब है, इतनी गर्मी है और देख इतना लंबा रास्ता है, वो क्या बेचारा बच्चा इधर पैदल चल के आएगा? तो और क्या। तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह, तेरे जैसा ज़ालिम बाप हो ना बंदे का, तो किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती बंदे को बस। अच्छा ठीक है ना, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। खुद ही है ये बंदे ने बाथरूम भी जाना हो गाड़ी लेके जाता है साथ। क्या करूँ यार, अमीर इतना हूँ, क्या करूँ, अमीर इतना हूँ, अमीर होने का घमंड है बस। ये स्कूल है, ये स्कूल है, स्कूल नहीं होता, स्कूल होता है। अच्छा अच्छा स्कूल, हाँ स्कूल बस है। ये जाहिल गवार आदमी पल्ले पड़ गया मेरे, चलो यहाँ पर गाड़ी को मोड़ता हूँ। यार ये तो स्कूल है, इसमें ट्यूशन कैसे पढ़ाते हैं? वो शाम टाइम एकेडमी पढ़ाते हैं, बस पैसे कमाने का सही काम बनाया है इन्होंने। ये काम है यार, ये काम है, मैं भी कह रहा हूँ स्कूल खोल लूँ। चलो मैं टीचर से पता करके आता हूँ, आजा। ABC तो पढ़ानी आती है मुझे। ABC नहीं पढ़ानी होती स्कूल में, और भी बहुत कुछ पढ़ाना होता है, बस ABC ही पढ़ाते हैं। मैंने तो वही पढ़ी थी, मैथ साइंस और वो सारा कुछ। हाँ वो साइंस होती है, साइंस साइंस है। मैंने कहा साई होती है वो। यार ये देख स्कूल में कितने बड़े बड़े बच्चे पढ़ने आए हुए, हमारा जिमी तो बहुत छोटा सा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े बच्चे पढ़ने आए हुए, ये कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के नहीं है। तो फिर कॉलेज के बच्चे, तो यार तूने इधर जिमी को क्यों करा दिया? जिमी तो सातवीं जमात में पढ़ता है। जिमी इतना बड़ा गधा है, वहाँ साथ में स्कूल भी है ना, जाहिल आदमी, स्कूल कॉलेज एक साथ है। अच्छा अच्छा, आजा आजा। फिर तो यूनिवर्सिटी भी होगी। हाँ यूनिवर्सिटी भी है साथ। यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ लेता हूँ यार। छोड़ रहने दे, आजा चुप कर जा। अच्छा चल ठीक है, यहाँ से पता करते हैं जिमी की छुट्टी हुई है कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। वो मेरा बेटा पढ़ता है जिमी, उसकी छुट्टी हुई है कि नहीं? सर ऑफिस से पूछ लें, हमें क्या पता। पूछ लें, ऑफिस कहाँ है अब इनका? तू यार इधर बच्चे को जमा करा के गया, तुझे पता ही नहीं ऑफिस किधर है। चलो मैं देखता हूँ ना जी। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। जी सर, आपसे पूछना था कि वो यहाँ पर बच्चों की छुट्टी होगी या ट्यूशन की? हाँ बच्चों की तो कब से ट्यूशन की छुट्टी होगी है यार। फिर छुट्टी होगी तो उसको यहाँ पे होना तो चाहिए। अब तो बंद भी होगी है क्लासेस सारी, यहाँ तो बैठा ही नहीं है यार। ओ यहाँ पे तो जिमी नहीं है यार। यार ढूंढना इधर ही किधर होगा, क्लासें तो सारी बंद हो गई हैं, वो तो कह रहे हैं अभी क्लास कोई नहीं है। छोड़ यार चलते हैं, बस खुद आ जाएगा। बकवास ना कर, इधर ढूंढ शाबाश पूरे स्कूल में, मैं अपने भाजे को लिए बगैर तो नहीं जा रहा यहाँ से। आज उसका एकेडमी में पहला दिन है और देख उसकी हरकतें देख। हरकतें का क्या मतलब है, कौन से कपड़े पहने हुए थे उसने? नीले कलर के। वो सामने देखो वो बैठा है जिमी, वो जिमी है बैठा है। हाँ ये उसका टीचर भी साथ फिर रहा है, वर्कआउट वाला। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, वो मेरे बेटे को छुट्टी आपने क्यों नहीं दी सर? क्या मतलब है छुट्टी नहीं दी, हम बच्चों को नहीं भेजते उनके वालिदैन के बगैर, वो खड़ा है उसको ले जाए। कब से रो रहे हैं, शोर मचा मचा के मेरा सर खाई है वो। आपने भेजा नहीं इसको? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, शर्म में दर्द हो रही है। शर्म में किधर दर्द हो रही है? शुक्र है आप आ गए, बहुत जल्दी याद आ गया उन्हें वो चेक की। क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे याद आ गया लगाई हुई तूने। और बस कर अब मार नहीं उसको। हाँ पहले मैं टेंशन से रो रहा था, मैंने कहा मेरे पापा मुझे लेने क्यों नहीं आए हैं। मुझे बताया था तूने लेने भी आना है? आपको नहीं पता पहले दिन को एडमिट ट्यूशन में डाल कर जा रहे हैं, फिर लेने भी नहीं आ रहे। हाँ तो तुझे पता होना चाहिए, बच्चे को ट्यूशन में डाल दिया, तेरी जिम्मेदारी थी तू इसको लेने आ वापस। मुझे कैसे पता होगा, मुझे सारा पता होना चाहिए पहले। तुझे नहीं पता होगा, तुझे बस अपनी जवानी का पता है, तुझे मोबाइल पे देख के मैसेज हंसने का पता है, और कुछ नहीं पता तुझे, ये छोटे निकरे पहनने का पता है तुझे। आपको बस लड़कियों से बात करने का होता है। क्या होता होता लगा? ओ बस बस बस, बदतमीजी नहीं कर, मैं तुझे बता रहा हूँ। ठीक है ना, टीचरें देख रही है इधर, सारी टीचरें देख लेंगी, समझ आई ना? और मुझे उससे ना देखा, मैं तो बंदा ही बड़ा बदमाश हूँ। बंदा ही बड़ा बदमाश हूँ। चलो चुप करके अब चलो, शोर नहीं मचाओ, अगली बार मैं तुझे खुद ले आऊंगा। सारे बच्चे अपनी साइकिलों पे, गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे आते हैं, वीर वीर बच्चे हैं, और मैं गरीब बच्चा हूँ, और मुझे रोना आता है। और रोना आता है क्या, रोना आता है? चुप करके बैठ जा, मुझे गरीब बता रहा तू। तू एक काम किया कर, तू टीचर को बताया कर मेरे अबू फौत हुए हैं, ठीक है? जिमी की हालत है ना जो, वो ऐसी ही है जैसे यतीम बच्चों की होती है। बकवास नहीं कर बेटा। बकवास वाली कौन सी बात है तुझे, मैं क्या आपको प्यार नहीं करता? पापा प्यार आपकी दर करते हैं, मुझे आज तक आपने कोई चीज लेके दी है? क्या चीज लेके दूं मेरे बेटे को बताओ मुझे। पापा मुझे गाड़ी लेके दें। शक्ल देखी तूने अपनी है, गाड़ी लेके दें, थप्पड़ मारूंगा ना ऐसे लाल हो जाएंगे, मुंह पे दो गाड़ियां बन जाएगी। पापा बस ठीक हो, यही प्यार है आपको, मैं बताऊंगा मेरे पापा गरीब हैं, 2% के नौकर हैं। यही बात, क्या बकवास कर रहा है, यही बात, ये बात तू इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर। देख मैं तुझे बता रहा हूँ, इसकी कोई वैगन लगवा दे।
हाँ पापा जी वैगन लगवा दें। जी वैगन बेटा बहुत महंगी आती है। जी वैगन वाली शक्ल तेरी ऐसी है ना, तुझे बंदा सुजुकी की वो पुरानी वैगन नहीं होती उसमें ना लेके जाए तो। पापा वाच करें ठीक है ना, औकात वो तो बता दिए, मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, स्कूल नहीं आऊंगा। उधर से टीचरों को कह के जाते हैं जब तक मैं लेने ना आऊं छुट्टी ना देना, और कहते हैं मुझे याद नहीं है। क्या याद नहीं मैं है? तो कसम से मैं दिल कर रहा मैं सर पकड़ के रोऊं अपना। बस कर इसके नाटक, तुझे नहीं पता है अभी इसको कोई चीज लेके दे दूं ये चुप हो जाएगा। तो ले देना, छोटी सी चीज की ख्वाहिश कर रहा है ना। मैकडोनल्ड पे खाना खिलाए ना मुझे, दोपहर से भूखा बैठा हूँ, चार बज रहे हैं। मैं सबके चार किलो वजन कम हो गया बेचारे का। आजा चार बज रहे हैं, आ जाओ बस चुप करो, रो नहीं बेटा, आ जाओ यहाँ पे शोर मचा रहे हैं, हमें इज्जत का कबाड़ा करेगा यार, लोग कहेंगे पता नहीं बच्चे को किडनैप करके जा रहा है। हाय हाय कैसी है, कैसी है वन टू, ये इनका नाम है मेरे ख्याल से वन टू। चलो कोई नहीं यार, चलते हैं, 1-2-1-2 लगी हुई है, पता नहीं ये क्या होता है 1-2-1-2। ये टीचर को देख के तू क्यों भागने लग गया भाई? और मैंने कहा मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ ना, जवान बंदा हूँ, पता है तेरा मुझे सब पता है। चलो यार अब चलते हैं, मैंने कहा यार टीचर बात कर लेंगी मेरे साथ, वो तो बात ही नहीं करी, शायद वो 1-2-1-2 बोल रही है ना, वो किसी से बात करी होंगी कॉल पे, मुझे नहीं पता अब इसका मतलब क्या होता है 1-2-1-2। मैं भी बोलूँगा आइंदा के बाद किसी से बात करूँगा पहले बोलूँगा 1-2-1-2, ये शायद अच्छे एक्सप्रेशन इंप्रेशन के लिए होता है, और चलो जिस प्रेशन के लिए भी होता है। अभी निकलते हैं, वो सामने गाड़ी खड़ी है हमारी लैंड क्रूजर, और ये लोग तो आ ही रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। अभी मामू को दुखड़े सुना रहा होगा पीछे खड़ा होके, मामू मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, भाई जो भी हुआ चुप करके बैठ जा, आजा ड्रामे लगा रहा है, लेट हो गया हूँ, क्या हो गया यार, बंदा मसरूफ होता है काम में, काम वगैरह करने होते हैं, मैसेज करने होते हैं, जिमी की टीचर से पूछना होता है भाई ये सही पढ़ रहा है या नहीं। तो चलो भाई आ जाओ, भाई आ जा शाबाश। जी आ रहा हूँ पापा। हाँ मामू को दुखड़े सुना है, नाटक कर लिया उसके सामने? क्या नाटक किया पापा, मैंने कुछ भी नहीं बोला, थक गया था, आपको सच बता रहा हूँ, आपको हर बात मजाक लगती है। अच्छा चुप कर जा बेटा, शाबाश, मैं अपने बेटे को अभी मैकडॉनल्ड से खाना खिलाता हूँ, शाबाश, रो नहीं मेरा बेटा, शाबाश, कोई बात नहीं, रोने वाली बात ही नहीं है, पापा आ गए ना, बहुत जल्दी आए हैं जो पापा। फिर बकवास कर रहा है, तू मार खानी है तूने, प्यार रास नहीं आता, वो आ रहा है तेरा गधा मामू, एक्शन दिखाते दिखाते। गधा को देना बोले, वो मुझे ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। बकवास कर रहा तू बेटा, मैं सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, अपना अब्बू, ठीक है ना। मैं स्कूल घूमने गया था, कितना प्यारा स्कूल है जिमी तेरा, बहुत प्यारा है, मेरे के लिए तो जेल के जैसा है। बेटा इतना प्यारा स्कूल है और इतनी प्यारी टीचर्स हैं उधर। क्या टीचर्स क्या हैं? प्यारी प्यारी अच्छी इज्जतदार अच्छा पढ़ाती हैं, इतना सही बात है। अच्छा क्या बात है, पर फ्रैंकलिन ने तो कभी पढ़ा नहीं है जिंदगी में, इसे तो ना अलिफ आती है ना बे, अलिफ बे पे ते टे सब आता है, सब आता है, वाकई बात है। हाँ जी अलिफ बे पूरी आती है, 1-2 भी पूरी आती है, और ABC भी पूरी आती है, इनको क्या बात है। हाँ जी 1-2 100 तक आती है मुझे। अच्छा सही बहुत, छोटे होते हुए याद कर ली थी यार, जहीन बहुत था ना मैं एक्चुअली। क्या बात है हाँ, और थोड़ी इंग्लिश भी आती है देख लिया, अब एक्चुअली बोला ना। हाँ ये बात यार, थोड़ा सीख लिया कर। अच्छा फिर तुम लोगों ने खाना है मैकडॉनल्ड्स पे? खाना क्यों नहीं खाना यार, इतनी सख्त भूख लगी हुई है, मेरे पेट में तो चूहों की रेस हो रही है पूरी। जी पापा मुझे इतनी थकन हो गई थी, मैंने कहा मेरे पापा नहीं आएंगे, अब रात हो जाएगी, मैं रो रहा था, टीचर मुझे मार रहा था, कहते इतने बड़े गधे हो गए और रो रहे हो, फिर मैं क्या करता। बेटा सही कर रहा था वो, बेटा तू रोया क्यों है मेरे बच्चे, फिर मैं क्या करता, मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। मैं सबके मैं तुम्हें बताऊं, मैंने तेरे बाप को याद दिलाया कि अभी जिमी को लेने जाना है। हाँ बेटा मुझे तो याद ही नहीं था, देखो ना जिसको प्यार होता है ना उसको फिर याद रहता है बंदा। सही बात है बेटा, सही बात। ये तू ज्यादा फिल्में इमोशनल ब्लैकमेलिंग मुझे नहीं कर, ठीक है ना, ये फिल्में ड्रामे मेरे सामने नहीं बना। अच्छा पापा ठीक है ना, लेकिन सच बताऊं ना, आपको प्यार नहीं है मेरे साथ। सही कह रहा है, दूसरों के बच्चे होते हैं उनके पास इतनी बड़ी गाड़ियां ना, क्या करूं। बेटा मैंने तो अपनी तरफ से हर मुशक्कत की है, हर मुश्किल को देखा है, ठीक है। कितने ड्रामे करता है तू, थोड़े ड्रामे किया कर यार, तू ऐसे ड्रामे कर रहा होता है जैसे दिहाड़ीदार मजदूर है तू। बेटा मैंने तो अपनी तरफ से हर मुश्किल को देखा है, मैंने कहा मैं अपने बच्चे के लिए कोई गाड़ी खरीदूं, बेटा जेब इजाजत नहीं देती, इस्तेआत नहीं है मेरी, क्या करूं। हाँ माशाल्लाह इस लेक्चर में ना दिल कर रहा है एक चमाट मारू तेरे कान के नीचे। क्यों क्या हो गया, शर्म नहीं आती तुझे इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलते हुए? ये देखिए बड़ी गाड़ी जो तू लेके घूम रहा है, अभी तूने इस पे 1 करोड़ रुपया लगाया है।
हाँ? 1 करोड़ नहीं 90 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है? 90 लाख वो कम रकम नहीं होती, तो अगर 10, 12, 20, 25, 50 तो लाख इस गाड़ी को मॉडिफाई करवाना था। और ये गाड़ी किसके लिए चलती है? ये गाड़ी जिमी की अम्मी के लिए चलती है, जिमी की फैमिली के लिए चलती है। तो जिमी के लिए नहीं चल सकती कोई गाड़ी? क्या जिमी के लिए चलती है ना, मैं लेने आऊंगा इसको। नहीं नहीं, जिमी को अपनी गाड़ी चाहिए, पर्सनल चीजें चाहिए। ये चीज अपना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं सोचता हूँ कोई गाड़ी तुझे मेहरान ले देता हूँ। मेहरान किधर भाई, इतने बड़े बाप की औलाद मेहरान पे जाएगी? मुझे नहीं पता, मैंने मर्सिडीज जी वैगन लेनी है। बेटा ऐसे शक्ल तेरी है जी वैगन वाली, ये गाड़ी जो मेरी देख रहा है ना, ये जी वैगन की प्राइस की है, ठीक है? शक्लों पे नहीं लिखा होता कि कौन सी गाड़ी किस बंदे को मिलेगी। अब तेरी शक्ल देखें तो फिर तो तुझे मेहरान भी नहीं मिलनी, एफएक्स भी नहीं मिलनी। यार क्या बकवास कर रहा है, एफएक्स भी नहीं मिलनी, ये भी नहीं मिलना, चुप कर बैठ। शक्ल की बात कर रहा है, इतनी प्यारी शक्ल है उसकी। हाँ उसके सामने तो मैं कहता हूँ रोल्स रॉयस भी कुछ नहीं है जिमी की शक्ल के आगे। जी पापा, जितना मैं रोता हूँ रोन रोन भी अच्छी है। क्या बोल रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं? मैं सही तो बोल रहा हूँ। रोन रोन बेटा, वही वही रोल्स रॉयस होते हैं वो, रोल्स रॉयस होता है, होता नहीं होती है, ठीक है ना, पता है नहीं कुछ। यार तू लेके किधर जा रहा है, ये तो अजीब सा रास्ता नहीं है? मैकडोनल्ड्स पे लेके जा रहा हूँ ना, अजीब सा रास्ता नहीं है, ये है वो है। आजकल बड़ी खाली हुई है मैकडोनल्ड्स, ये नहीं है मैकडोनल्ड, आ गया है गधे। अच्छा अभी अभी पहुंचे नहीं है क्या? मैं तो कहता था इतनी प्यारी बीच आती है, लड़कियां आती हैं अच्छी अच्छी, बाशरम लड़कियां आती हैं उधर। बेशरम लड़कियां आती हैं, बाशरम नहीं, बेशरम घटिया आती हैं। वही वही एक ही बात है ना, तेरे जैसे लोग आते हैं यहाँ पे। मेरे जैसे लोग किधर यार, मैं तो बनान पहन के आता हूँ, उन्होंने तो कुछ भी नहीं पहना होता। क्या बकवास कर रहे हैं, बनान शनान उतारी होती है, एक शॉर्ट में आए होता है तेरी तरह, जैसे तू शॉर्ट्स पहन के भाई हट जाए। चलो यार यहाँ से मोड़ता हूँ, यहीं पे खाना खा ले बेटा, ढाबे पे बाहर कुर्सियां लगी हुई है। नहीं नहीं, इधर कोडोलश कोडोलश, इधर नहीं, इधर मेरा स्टैंडर्ड नहीं है यार। हाँ खुद स्टैंडर्ड याद आ गई है, स्टैंडर्ड नहीं याद है यार। हाँ बस स्टैंडर्ड याद आती है खुद, ठीक है ना। हाँ क्लास है तेरी बड़ी, क्लास तो है मेरी 1 क्लास है और जिमी की 7 क्लास है। हाँ जी ऐसे, हाँ जी हम लोग बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, ऐसे हल्का नहीं लिया कर हमें तू। ठीक है ठीक है ठीक है यार, ये कहाँ पे है मैकडोनल्ड यार? मेरे ख्याल से तो यहाँ पे है ही नहीं। ओए हो, लैंड क्रूजर को ऊपर चढ़ाते हैं, अब देखते हैं लैंड क्रूजर की पावर। ओहो, क्या बात है, देखा यार तूने? देख ले, पर महंगी गाड़ी रखी है तो फायदा तो है जी, इसी के लिए तो कह रहा हूँ मुझे भी महंगी गाड़ी ले दें। हाँ ये बात, या ना उमरान ले दें, फिर नाक आपकी कटेगी। यही बात, ये तेरी जो लंबी सी नाक है ना, माइकल देखो वो माइकल का बेटा, गरीब मुशल्ली का बेटा। बकवास नहीं कर, ऐसे कोई कहना है, तू पहले बोल रहा है। सही बात है, ऐसे ही बोलेंगे, देखो माइकल खोते मुसल्ली चूड़े का बेटा। बकवास नहीं करो, चुप करो तुम, मोटे चूड़े खोते चूड़े क्या बोल रहे हो पता नहीं। जी पापा सारे ऐसे ही बोलेंगे, नहीं तो अभी बड़ी गाड़ी ले देंगे, वो माइकल अमीर का बेटा, वो माइकल अमीर का बेटा देखो। कोई भी नहीं बोलता बेटा, किसी का बेटा देखो, उसका बेटा देखो, किसी के पास इतना टाइम नहीं है तुझ मुसल्ली को देखता रहे। पापा ऐसे ना बोले, ठीक है ना, मेरी बात आई है ना, तो फिर देखो ना, फिर मैं क्या करूंगा। क्या करेगा तू यार, फ्रैंकलिन इसको चुप करवा, बस बस जिमी पहले खाना खा लेते हैं बेटा, फिर डिमांड करेंगे अपनी गाड़ी की, ठीक है? ये ना हो इसका मीटर चले, फिर हमें खाना ही नहीं खिलाएगा। चलो आ जाओ खाना खिलाता हूँ, आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा, शाबाश आ जाओ मेरा बच्चा। आ रहा हूँ, अभी देखो ऐसा ड्रामे कर रहा है बेटा, गाड़ी से तूने पीछे नहीं हटना, गाड़ी लेके पीछे हटना। चलो यार इनको बाहर ही खिलवाता हूँ, क्योंकि अंदर गए तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे तुम्हें पता ही है, ठीक है? तो इसीलिए इनको बाहर ही बिठाता हूँ। आ जाओ आ जाओ बेटा, शाबाश आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। और टकरे मार रहा अंधा, उधर से हट जा जिमी, इधर से सीढ़ियों से आ जा मेरे बेटे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। दो बर्गर ठीक है? हाँ जी सर जी, 2 बर्गर हो गए आपके, ठीक हो गए। आप लोग अंदर क्यों नहीं आ जाते यार, बाहर क्यों बैठे हैं? ये बाहर जो कुर्सियाँ लगी हुई है ना, ये शाम का मौसम एंजॉय करने के लिए, अभी इतनी गर्मी हो रही है, आप अंदर आ जाएं। किधर गर्मी हो रही है यार, बारिश होने वाली है, शाम हुई भी आप देख रहे हो। ये कुत्ता आदमी है ना, ये हमें अंदर नहीं आने दे रहा। अच्छा 2 बर्गर ले आओ, बस खा के जाते हैं, हमें वैसे भी इतनी भूख नहीं है, तो 2 बर्गर बहुत है। हाँ चलो भाई ले आओ, अब फिर जल्दी करो यार। इन दोनों के लिए 2 चिकन बर्गर अच्छे से जबरदस्त से। हाँ हाँ ठीक है सर जी, मैं ला रहा हूँ, बस मैं ला रहा हूँ जी, जल्दी जी। भाई कितना बिल हुआ, खाना तो बड़ा जबरदस्त था। हाँ जी बिल हो गया आपका भाई जान, 3000। 3000 सर, ये 1 बर्गर वापस ले जाए ना, 2000 बहुत है। सर जी कहाँ पे आए हैं आप, ढाबे पे नहीं आए, मैकडोनल्ड पे आए? हमारे कुछ रूल्स होते हैं, एक बार आपने ऑर्डर दे दिए फिर आपको पे करना पड़ेगा यार। सर जी यार मैंने अपने बेटे को मना किया, वो अच्छा खासा खा रहा था, मैंने कहा बेटा आधा आधा कर लेते हैं, पैसे बच जाएंगे। और नहीं नहीं आप खाने दे उसको, बिल तो आपको देना पड़ेगा। हाँ यार माइकल ऐसे ही रोका तूने, खा जिमी बेटा खा। ये जो खा रहा हूँ अभी रास्ते में ही खाऊंगा। ये ले चले ठीक है, ये ले 3000 रुपए। थैंक यू सर, आते जाते रहिएगा। बिल्कुल आते जाते रहेंगे, आते जाते ही रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे। अब देखना तुम्हारे हरकत क्या करूंगा, हालत क्या करूंगा तुम्हारे साथ। 3000 रुपया ले लिया यार। आप लोग सोचते हो कि यार मैं इतना कंजूस हूँ, ये हूँ वो हूँ, यार एक दिन भरे हुए कुएं भी खाली हो जाते हैं भाई, जितना पैसा है तो ऐसे लगाते तो नहीं जाएंगे ना।
थोड़ा बचा के भी रखना होता है ज़िंदगी के लिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं। चलो आ जाओ यार, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और गाड़ी का फ्रंट आपको दिखाता हूँ। आ जाओ भाई, बर्गर उठा के ले आओ, ये देखो भाई स्टार्ट हो गई। ओह हो हो, क्या बात है, आ जाओ भाई जल्दी आओ, आ जा आ जा। शाबाश जी पापा, आ रहा हूँ। बर्गर ले आया फ्रैंकलिन? यार वो तो उधर ही छूट गया, मैंने उठा लिया। अच्छा उठा लिए, बड़ा तेज है बेटे, मैंने समझा उधर ही रख के आ गया। मैंने कहा 1000 रुपए दिए हैं, वैसे नहीं मुफ्त के नहीं है वैसे। साबित किया ना फिर माइकल का बेटा तू है, तो फिर क्या करता है वो, पैसे बचाना अच्छी बात होती है। ये कह रहा है, ये बात है ना, जबान बहुत चलती है ना तेरी, है ना। हाँ देखे मैं कहता हूँ ना, इसकी जुबान बहुत चलती है, तब तो बड़ी साइड ले रहा होता है। नहीं यार तेरे साथ तो ये हक वाली बात। पापा ये देखे आंटी के कपड़े फटे हैं। बेटा नहीं देखो, उधर नहीं देखो, चुप करो, आंखों पे पट्टी रखो। अच्छा अब तू हमें गाड़ी कब लेके देगा जिमी के लिए है? और आराम से भाई, अपनी भी ठोकेगा तू। ओहो सॉरी सॉरी, फिर अपनी के खर्चे निकाल के बैठ जाएगा, फिर बोलेगा जेब इजाजत नहीं देती, इस्तेआत नहीं होती। बस कर ज्यादा मुझे लेक्चर नहीं दे। अच्छा बताना कब लेके देगा गाड़ी? आज ही पता करते हैं। आराम से यार पता कर लेते हैं, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। किधर लेके जाते हैं? हमारे अपने शोरूम पे यार एक से बढ़ के एक गाड़ी खड़ी है। मैं कहता हूँ जिमी को तू सिविक्स दे दे, या करोला दे दे, या फिर तू इसको मार्केक्स दे दे। हाँ अब बस कर, इसकी शक्ल है। अच्छा मैं पता करता हूँ यार, वो बहुत महंगी है ना नई गाड़ी है, तुझे पता है अभी इसको ड्राइविंग नहीं आती, ठोक देगा कहीं। हाँ ये तो सही कह रहा हूँ ना, तो मेरी यार तुम बात समझो तो तब ना। मैं समझ रहा हूँ, हाँ पॉइंट वाली बात करता हूँ। मैंने कहा यार ये बच्चा, इसको आती नहीं है गाड़ी चलानी, ठोक देगा, वो नई गाड़ी है, तुझे पता है नुकसान होगा इसकी जान का भी। अभी इसको कोई लोहा लाट गाड़ी लेके देते हैं, जो ये ठोके भी तो इसे कोई जान ही नहीं। जी वैगन ले देते हैं। और यार जी वैगन में भी तो एक्सीडेंट वगैरह और ये सब कुछ ज्यादा होता है ना यार, फिर क्या करें। मैं पता कराता हूँ तुझे, मुझे पता है ना एक दुकान, तो मैं उधर लेके चलता हूँ, ठीक है? हाँ ये सही है। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, तू हमें लेके किधर जा रहा है भाई? कहाँ लेके जा रहा हूँ बताता हूँ ना, गाड़ी लेने जा रहा हूँ भाई। ये तो कोई कबाड़ खाना लग रहा है। नहीं नहीं बेटा, ये बहुत अच्छी जगह है गाड़ी। मैंने कहा अपने बेटे को गाड़ी लेके देनी है यार। अच्छा यहाँ पे गाड़ी लेने आया है, मैं भी सोचूं तू गाड़ी के लिए राजी कैसे हुआ है, यहाँ से कोई थकी हुई थक्कड़ किस्म की गाड़ी लेके देगा। आ जाओ चुप करो। बस समझ आ गई है मुझे, मैं सोच सकता था तेरे जैसा घटिया बंदा यही कर सकता है। चुप करना यार, चुप कर जा, बात करने दे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम बेटा। सर वो गाड़ी का पूछना था, एक गाड़ी लेनी है बच्चे के लिए। अच्छा बच्चे के लिए, देख लें गाड़ी, पूरा गैराज चेक कर लें, जी, जो जी। गाड़ी पसंद आती है हम आपको तैयार करके देंगे। मुझे तो ये पसंद आ रही है। पापा मैंने इसके ऊपर बैठना है, इसने मेरे ऊपर नहीं जो जो गाड़ी वाकई ये गाड़ी जो है ना ये किसी काम की नहीं है। इसके आगे तो बंदा तुझे बांध के घसीटे। ये तो है यार, गाड़ी किसी काम की तो नहीं है, कोई गाड़ी देखते हैं। और टायर भी नहीं है ये, मेरे ख्याल से किसी ब्लास्ट में तबाह हुई हुई सारी गाड़ियां जो तू यहाँ पे लेके हमें आ गया ना भाई। चलो बंदे से पूछते हैं ना। सर जी कोई गाड़ी है? हाँ बहुत सी गाड़ी है, अब देख लें कौन सी पसंद आ रही है। सर मुझे तो कोई जी वैगन शैगन मिल जाएगी? हैं जी वैगन, ये सारियों को मैं जी वैगन बुलाता हूँ, आप कोई भी देख लें। जी वैगन बुलाता हूँ, मुसल्ली जाना हो तो। ये सारी तो बकवास गाड़ी है बेटा, मैं समझ रहा था अच्छा माल भी आया होगा कोई। यार मैं तुझे बोल रहा हूँ ये देखो ना, ये भाई मैं चला लूँ? हैं चला ले सारी गाड़ियाँ चला ले, बस चला के गैराज से बाहर नहीं जाना, ठीक है। ये कुछ अच्छी लग रही है जिमी, ये ले ले। ये पापा जय सही है। ओए हो बैठने की जगह देख जिमी, ठीक है ना, जबरदस्त है। ऐसे तू और मैं दोनों रात को जाया करेंगे बंक करने। ये कितने की है पूछते हैं ना अंकल से। आजा तू हेलमेट पहन रहा है, आजा। एक्टिंग कर रहा था ऐसे हेलमेट पहनते। अच्छा जी भाई हैं, तो ये कितने की है वो गाड़ी? वो वाली जिसपे अभी आप बैठे थे, वही वाली। वो वाली आपको मिल जाएगी तकरीबन 5 लाख की। 5 लाख? ओ चर्सी। ओ चर्सी किसको बोल रहे? सॉरी बाबा जी, 5 लाख। इंजन काम करता है, सीटें बिल्कुल नहीं है, नई मंगाई है, एक बंदे ने कुछ दिन चलाई थी। और रहने तो दो, काम रहने दो, तो रहने दो फिर जाओ यार। अच्छा और गाड़ियां देख लेता हूँ ना फिर, ठीक है? हाँ ठीक है। ये गाड़ियां ये भी अच्छी है पर यार ये चलने काबिल नहीं है। और ये सामने एक भाई खड़े हैं, आर्मी के कपड़े पहने हैं, कौन से कपड़े पहने हैं? अच्छा मैकेनिक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? मैं ठीक सर। और ये गाड़ी पूछनी थी, ये बाइक जो खड़ी है ये कितने की है? ये जी है 5 लाख रुपए। सारी 5 लाख बता रहे हैं। अच्छा ये जो गाड़ी है ये कितने की है? ये 10 लाख। ये कबाड़ में बनाई भी आपने और 10 लाख, और क्या बातें कर रहे हैं। स्पोर्ट्स गाड़ी है, रेसों के लिए काम आती है। अच्छा ये कितने की है? जिमी हरकतें देख रहे हैं अपने कुत्ते बाप की। हाँ ना देखें, अभी इधर कबाड़ में भी नहीं ले आकर दे रहे कोई गाड़ी। अच्छा ये गाड़ी कितने की है भाई?
देखें ये गाड़ी सर, मैं आपको बताऊं सच सच, ये गाड़ी अपनी ख़रीद जो है ना हमारी 4 लाख रुपया, आपको चलें 4.5 लाख की दे देंगे। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं चाहिए यार, बहुत महंगी दे रहे हैं आप। चलो यार, मैं तो कोई और सोच रहा हूँ, आ जाओ देखते हैं। पापा मैं थका हूँ, मुझे सर में दर्द हो रही है, नींद आ रही है, जल्दी ले के दें। चल जिमी बेटा, तू और मैं चलते हैं घर, ठीक है? किधर चलते हो घर हैं? क्या मतलब है किधर चलते हो, हर बात पे बदमाशी क्यों दिखाता है तू? नहीं ना, अभी मैं तुम्हें गाड़ी लेके देने आया हूँ। तो ले ना, तू गाड़ी ले, तुझे यहाँ से कोई पसंद आ जाए ठीक है तो फिर तू गाड़ी ले ले, कोई मसला तो नहीं है। मैं और जिमी घर जा रहे हैं। अगर लेनी हुई तो खुद ही ले आना और खुद ही चलाना। क्या बकवास कर रहा है, खुद ही चलाना क्या? मैं तेरे लिए यहाँ पे आया हूँ, मशक्कत कर रहा हूँ, मैंने कहा अपने बेटे के लिए गाड़ी खरीदूँ। कितनी प्यारी जगह से खरीद रहा है, जा रहे हैं ठीक है ना? हाँ तू खरीद, अपने सारे अरमान पूरे करेंगे यहाँ पे इस अच्छे से शोरूम में रह के। अगर आपको कोई सस्ती और प्यारी गाड़ी मिलगी ना फिर मुझे बताना, और प्यारी जो गाड़ियाँ वो सारी महंगी हैं, वो आप लेकर नहीं दे रहे, महंगी की तरह 5 लाख की सस्ती सस्ती है। और हाँ सही बात है, 5 लाख में किधर मिलती है गाड़ी आजकल, किधर मिलती है। चलो ठीक है, तुम लोग उन्हें जाना जाओ, मैं फिर ले आऊंगा खुद ही। हाँ ठीक है, लेके आई पर चलती हो ये याद रखना। हाँ चलती होगी, घसीट के ना लाई, नहीं तो तुझे गले में पट्टा डाल के घसीटेंगे फिर। चल ठीक है जाओ। ओके जी। हाँ और दूसरी बात, मेरी गाड़ी नहीं लेके जाना। तेरी गाड़ी नहीं लेके जा रहे ठीक है? और भाई तेरी गाड़ी लेके चले जाते तू फिर जिमी की जो गाड़ी लेगा ना उसमें आ जाए, क्या कहता है? हाँ ये भी ठीक है, पर तुम लोगों ने फिर ठोकनी नहीं है, आराम से जाके मेरे घर में पार्क करी। ना ना यार, मेरी ड्राइविंग का तो पता ही है तुझे। हाँ और अभी तू अपने घर जाएगा, मेरे घर ही रहेगा? हाँ तेरे घर ही रहूंगा, जिमी की नई आई हुई गाड़ी देख के जाऊंगा। हैं जिमी बेटा, चल ठीक है जी। वैसे भी मामा कह रही थी बड़े दिन हो गए फ्रैंकलिन भाई नहीं आए, मेरे प्यारे भाई। हाँ। बस जब से उनकी शादी हुई है अभी बीवी के गुलाम हो गए, बहन को पूछते ही नहीं है ना, रोटी पराठे बनाती आम के लिए और आप आते नहीं है। ओहो हो, मुझे बुलाती ही नहीं है फिर, तू जो खा जाता है। वो गाड़ी किधर वार की है पापा ने? तेरे पापा ने गाड़ी किधर खड़ी की? ओए माइकल गाड़ी किधर खड़ी की है? यार गाड़ी मैंने इधर पीछे साइड में पार्क की है, देख लो यार। आज भी बेटे मुझे लगता है तेरे डैडू ने ना इधर छुपा के खड़ी की है गाड़ी, एक तो छुपा के बहुत रखता है इसको। हाँ जी, अभी नई मॉडिफाई करवाई है ना, जब से मैंने ठोकी थी ना तब से बहुत डरे हुए हैं, अभी आराम से चलाना ये ना फिर एक्सीडेंट कर दें। हाँ बेटा मैं किधर एक्सीडेंट कर दूं बेटा, पहले वाला एक्सीडेंट याद नहीं आपको, आपने खुद ही तो किया था। सॉरी ना मामू। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी तो माइकल इसको चला चला के थकता नहीं है। चले ठीक है, अभी घर जाते हैं सोते हैं और मामा को कहूंगा, सरप्राइज दूंगा कि मामू आए हैं। हाँ ये सही है, ये फिर मामा कहेंगी वो मेरा प्यारा भाई काला भाई आया है। ऐसे बोलेंगी? नहीं नहीं बोलेंगी, मेरा चांद का चाचा भाई आया है। हाँ ऐसे बोलेंगी। पर आज पापा ने अगर गाड़ी ना लाई ना मैं तो कल से फिर अकेडमी नहीं जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है बेटा जाने की। यार ये बंदा कब से खड़ा है पता नहीं क्या कर रहा है। सर मुझे कोई गाड़ी दिखा दें यार, मैं जाऊंगा यार, थका हुआ बंदा हूँ यार, बताएं यार। इधर कब से ख्वार हो रहे हैं आप, आपको कोई गाड़ी पसंद नहीं आई? यार कोई गाड़ी देखता हूँ चलने वाली नहीं है यार, मुझे 5 लाख से नीचे की कोई गाड़ी बताओ, 4 लाख से नीचे की, 2 लाख से नीचे की। आप एक काम करें, आपने कागज की गाड़ी बनाए वो चलाया करें ठीक है? वो चलाया करें? नहीं ना सर, कोई बताओ यार, बच्चे के लिए चाहिए। अच्छा। 2 सीटें हो जाएं बस यार। आ जो मेरे साथ आओ, मैं आपको गाड़ी दिखा दूं। लेकिन हाँ हाँ चलती है चलती है, गाड़ी का एक छोटा सा मसला है, पहले आप गाड़ी देख लेना। अच्छा। गाड़ी आपकी रेंज की है, 2.5 लाख की गाड़ी है, चूचा नहीं करनी, देखे फिक्स रेट बता रहा हूँ आपको, कोई आपसे वो पैसे कमाने वाली बात नहीं है, अपने भाई हैं आप ठीक है? बिल्कुल सारे ही। हाँ। बिल्कुल नहीं, सारे वो कहने वाली बात नहीं है, मैं आपको सच्ची बात। अच्छा, कर रहा हूं। अच्छा, सही, सही। हाँ, आप आके देखें गाड़ी, पसंद आएगी आपको, पसंद आई तो फिर क्या करेंगे आप, वापस चले जाइएगा और क्या, और तो आपके काम की कोई गाड़ी नहीं है। नहीं ना सर ऐसे ना करें, दिखाएं गाड़ी सर प्लीज। मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी, आप अपने भाई हैं पैसे कमाने वाली तो आपसे बात ही नहीं है, ये जो गाड़ी है ना ये पुराने जमाने के बादशाह जो है ना। अच्छा बादशाह चलाते थे, क्या बात है। नहीं जो पुराने जमाने के बादशाह थे ना उनके नौकर चलाते थे। अच्छा नौकर, मेरा बेटा लेकिन नौकर नहीं है सर, ऐसे ना करें। देखिए मेरी बात सुने, जो हर बेटा होता है ना बाप का नौकर होता है। बिल्कुल ये बात तो ठीक है, ये बात है ठीक है, तो उसको नौकर बना के रखें। नौकर नहीं होता, देखें वो बाप की खिदमत करता है, यही बात, यही बात। खिदमत देखें बहुत, और खिदमत करने वाला नौकर होता है। और बस करें, खिदमत करना बच्चे पे फर्ज होता है, माँ बाप जो करते हैं जिंदगी भर अपना पेट काट काट के बच्चे को पालते हैं। आप तो वो ये सेंटीमेंटल, सेंटीमेंटल की बात नहीं, खाली मुझे मेंटल लग रहे हैं। आप बच्चों को जो है वो अच्छा सबक मैसेज देने की बजाय आप कह रहे हैं कि बाप का गुलाम होता है, ये होता है वो होता है। बाप क्या गुलाम होता है बच्चों का, वो पाल के लाता है बच्चों को? नहीं नहीं नहीं, बच्चे गुलाम होते हैं बाप के।
क्या फिर वही बकवास कर रहा, छोड़ यार तू खपती आदमी अजीब छोड़। अच्छा मेरी बात सुनो, जो गाड़ी है ना मैं आपको, वैसे कितने साल का बच्चा है आपका जिसके लिए गाड़ी चाहिए आपको? सर वो 15-16 साल 17 साल इतनी उम्र होगी, 20-25 का भी होता है ना तो ये गाड़ी वजन बर्दाश्त कर लेती है। अच्छा अच्छा चले मैं आता हूँ ना। आप ओ किधर से चढ़ के आ रहे हैं भाई? ओ सर जगह नहीं है ना इसलिए। तोबा तोबा, आ जाए जल्दी आ जाए। जी आ गया सर, आपको गाड़ी दिखाता हूँ आप परेशान हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत गाड़ी है ये देखें जरा। ये क्या सर, ये तो इतनी लंबी है रोड पे चलेगी ही नहीं। यही तो मसला है इसमें, खाली एक यही तो मसला है इसमें। अच्छा सर इसका इंजन वगैरह दिखा देते अगर, वैसे गाड़ी तो अच्छी है, इसकी प्राइस फिर कम मैं दूंगा, मैं बता रहा हूँ। मैंने 2.5 लाख आपको पहले बोला था। नहीं नहीं 2.5 सर 1.5 लाख सही है। तौबा करें सर जी। सर इस गाड़ी में कुछ है नहीं ऐसा कि ये 2.5 लाख की खरीदी जाए। अच्छा सिर्फ लंबी है और कुछ भी नहीं है सर। एक काम करें फिर आप लंबा खुद से कुछ बना लें, ये गाड़ी फिर मैं आपको इससे कम में दे नहीं रहा। सर ज्यादा इंजन है इसमें, टायर्स हैं, चलती है, और क्या चाहिए गाड़ी में आपको है? नहीं नहीं सर मैं 2 लाख चले बस, बस फाइनल आप चले, आपकी ना मेरी, ठीक ठीक कोई मसला नहीं, चले बस ठीक है 2 लाख में फाइनल डन करें ठीक है। हाँ चले चला के ले जाएंगे। जी चला लूंगा बस, वैसे ही चलती है ना। हाँ कैसे? वैसे आम गाड़ियों की तरह। हाँ बिल्कुल वैसे ही आम गाड़ियों की तरह चलती है। वैसे लग बहुत पुराने जमाने की, चले कोई नहीं कोई चलता है बस सही। हाँ, है बच्चे हाँ। के लिए वैसे ही आपको पता है, वही वही हो जाता है बच्चों के लिए हो जाता है। ये लें पैसे फिर। चले जी शुक्रिया। चलो भाई चलो यार, इस बंदे को तो ठग दिया, अब अपना काम करते है। बात समझ नहीं आ रही, इस गाड़ी में बैठूं कैसे, जंप मार के इसमें 2 बंदे बैठ जाएंगे? सीट तो इसमें 2 बंदों की जगह तो है यार, 2 बंदे बैठ तो जाएंगे। चलो यार, ओहो अच्छा जंप शंप लगा के बैठने, चलो स्टार्ट हो गई है। चलो भाई मैंने कहा पता नहीं बैठूं कैसे, जंप मारा तो बस सीधा फिट आ गया अंदर। चलो कोई नहीं, ज़बरदस्त गाड़ी तो अच्छी लग रही है। ओहो स्टार्ट भी हो गई है यार, वन सलफ पे गाड़ी जिमी के लिए मैंने फिर कैसी ली बताओ मुझे आप लोग, ज़बरदस्त गाड़ी ली के नहीं। आए हाय हाय क्या बात है भाई, निकालता हूँ इस गाड़ी को, निकालूँ कहाँ से, मेरा ख्याल से मैं गलत साइड पर आ गया हूँ, लेकिन कोई नहीं। ओ वाकई बंद है रास्ता, चलो उस तरफ से निकालते हैं अब इसको। गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है यार, क्या चल रही है यार, मज़ा आ रहा है यार मुझे चलाने में। तो आप लोग बताना कमेंट में जिमी के लिए कैसी गाड़ी ली। आप लोग मुझे कह रहे थे मार्क एक्स लो, ये लो वो लो, देखो 2 लाख में आपके भाई ने कैसा सौदा कर लिया बताओ फिर मुझे। चलो चलो निकाल लो अब। शुक्र है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ कोई बात नहीं, चलो यार अब जल्दी से इस गाड़ी को निकालता हूँ। ड्रिफ्टिंग भी करती है यार, जिमी बड़ा खुश होगा। चलो यार अब मैं जल्दी से चलता हूँ घर, क्योंकि असर का टाइम हो गया और भाई गाड़ी लेके मैं भगाता आ गया हूँ यार, मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है यार, लोग देख रहे हैं रोड पे, कह रहे हैं पता नहीं टांगा लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बुड्ढा क्या कर रहा है, मेरा मतलब जवान बच्चा क्या कर रहा है, लोग सोच रहे होंगे जवान बच्चा कौन सी गाड़ी चला रहा है, इसको लैंड क्रूज़र बड़ी बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ चलानी चाहिए, ये कौन सी गाड़ी चला रहा है, लोग ऐसे थोड़ा सोच रहे होंगे। तो मैंने कहा यार चलो छोड़ो यार, शर्म करने की कौन सी बात है, अपने बेटे के लिए नई गाड़ी ली है, फ़ख्र से बताऊंगा दुनिया को मैंने अपने बेटे जिमी के लिए नई गाड़ी ली है। और ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल भी होती है, स्किटें खाती हैं, ड्रिफ्टिंग करती है, तो यार इस वजह से थोड़ी ख़तरनाक भी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी है। आपको भी पसंद आई होगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यार वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है। चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाना और बेल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करके ऑल को सेट कर देना। अभी हम जल्दी से चलते हैं भाई अंदर घर के, तो सामने आप लोग देखो मेरा 125 खड़ा है। और शाबाश ओ आज किधर आए हो भाई छोटे भाई साहब, याद आ गई अपने बड़े भाई की? बस हमें तो याद आती रहती है, आप बड़े भाई को ही नहीं याद आती हमारी, क्या करें। अच्छा खैर से क्यों चक्कर लगाया? बस वो यार मैंने फ्रैंकलिन की आईडी पे एक पोस्ट देखी है, ठीक है। अच्छा क्या पोस्ट कर दी उसने? उसने पोस्ट किया कि हम तीनों मैकडोनल्ड्स पे खाना खाने गए हैं, ठीक है। क्या यार मैंने बोला भी था जिमी उसको कहना कि नहीं पोस्ट करना, वो पापा मैंने भी बोला था, वो कहते हैं कुछ भी नहीं होता, वो बस जलाने के लिए कर रहा होगा, फेक एडिट की होगी उसने। एडिट नहीं की बेटा, सातू भी बोल रहे हैं गाइस बर्गर खा लें। वो झूठ भी बोल रहे हैं, एडिट की होगी। जी पापा बोल रहे थे ना बर्गर कितना मीठा मीठा है। बेटा कितने झूठे लोग, कसम खुदा की भाई से धोखा करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? उठ जाऊं? नहीं उठनी अभी, लगा तू तो लगा मोटे ठोसे बर्गर, जो तूने बर्गर खाया अभी हजम करवाऊंगा तुझे। अच्छा मैं वो यार काम से गया हुआ था, और कोई मसला नहीं है, तू बता ना खैर क्यों आया यार, सही से बता। मैं अपनी पेमेंट लेने आया हूँ, उसने
पता नहीं फेसबुक पे पोस्ट चढ़ाई है, आई रिसीव्ड माय पेमेंट, इस तरह करके कुछ लिखा हुआ था। इनकम लिखा हुआ था, इनकम इनकम मैंने तो समझा है निम्को लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, तू फिर मुझे मेरी तनख्वाह दे दे, बस ठीक है मैं जाता हूँ सैंडी शोर्स, अपनी बकरियाँ ही चराऊंगा, और कोई काम नहीं है ना मेरा भाई। तो पहले ही बकरियाँ चलाते हैं, वैसे शोरूम की तनख्वाह लेने आते हैं और काम करते नहीं है, महीने में एक दिन आते हैं और तनख्वाह लेते हैं। मोटे को बारे बात ना कर तू ज्यादा, ठीक है? पीछे दो गाड़ियाँ किसने बेची है? हाँ ये बात तो है। तेरे मामा ने बेची है? ड्राइवर 50,000 रख, उसे मैंने 30,000 दिए ना, तू 50,000 रख बस। वाह यार भाई, ये बात है कि नहीं? सही बात, सही। उठ जा बेटा जिमी, उठ जा, बस 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 मेरा बेटा, आ जाओ मैं तुम्हें जिमी की गाड़ी दिखाता हूँ, आ जा ड्राइवर। हाँ जिमी की गाड़ियाँ आ रही है, वाह वाह। हाँ जितनी प्यारी गाड़ी है तू भी खुश हो जाएगा, आ जा आ जा। ये क्या है, ये कौन सी गाड़ी है, ये तो चरपाई है, ये तो तू रॉकेट ले आए, सोच रॉकेट में जहाज बैठा हुआ कैसा लगेगा। बहुत प्यारा लगेगा। पापा जो काशी ले आया मुसलियों जैसे गाड़ी, मैंने नहीं जे चलानी। बेटा तू चला तो सही यार, ड्राइवर इसको जरा एक राउंड दे के आ, तू तो चला लेता है ना गाड़ी जबरदस्त। हां मैं चला लेता हूं, आज जिमी राउंड देता हूं तुझे। हंसनी यार हंसनी, इसको फिर ये रोएगा, चुप कर जा। बहुत प्यारी गाड़ी है, इससे तू मार्स पे भी जा सकता है। अच्छा मेरी लैंड क्रूजर किधर है? पापा वो हमने पीछे इधर घर के पीछे वो जो गैरेज सा बना है उसके अंदर पार्क की है। इस गैरेज के अंदर? हाँ पापा इसके अंदर पार्क की है। अच्छा चलो ठीक है। मामू किधर हैं आपके? पापा वो चले गए हैं। चलो शुक्र है, अच्छा मैं, मेरे आने की खबर मिल गई होगी, डर के भाग गया होगा कुत्ता। हाँ ये भी है। चलो ठीक है ड्राइवर, तू इसको जरा ड्राइविंग भी सिखा और गाड़ी शाड़ी चला के इसको दिखा भी से कैसी जबरदस्त गाड़ी है, इसको इससे भी थोड़ी चलवा, ठीक है? इसको ट्रेन कर, हमें एक्सीडेंट ना कर दे, ठीक है? क्या गाड़ी है, क्या गाड़ी है, कसम से मैं कहता हूँ ऐसी गाड़ी अलोन मिक्स के पास भी नहीं हो। जी मुशेलियों जैसी गाड़ी है। नहीं ठीक है यार ड्राइवर, तू इसे सिखा, ठीक है? ये गरीबों की जो है ना वो रोल्स रॉयस है। जी जी वो तरह चले, ठीक है पापा, अभी मुझे आप कुछ सिखा दें, ड्राइवर चाचू मारेंगे। नहीं मारता बेटा, बस एक गुत्थी के पीछे लगाऊंगा एक। नहीं ना फिर मैं नहीं सीखूंगा। अच्छा चल आ जा सिखाता हूँ, वनवासी करूंगा। वनवासी? अच्छा चुप, कोई लड़ाइयाँ नहीं करो, चुप करके जा यार। तू चाचा है क्या, इसका छोटा भाई है, लड़ाइयाँ कर रहे हैं यार, ये बात ऐसी कर रहा बनवासी चाचा। अच्छा, चलो चुप करो, बदमाशियां नहीं करो, चुप करके बेटा सीखनी है, ठीक है? चुप कर पापा। चला जा बेटे, तुझे ड्राइविंग सिखाता हूँ, मुझे तो लगता है इसमें फंस के तू ही पूरा आएगा सिर्फ। मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा। चल बैठ। ओए चलो भाई, कितनी मुश्किल से बैठा हूँ। बेटा ये तेरे जैसे बंदे ना फंस फंस के बैठते हैं। मैं अकेला चला लूं? नहीं चलाने नहीं देना बेटा, तेरा बाप मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेंगे बेटा? वो मुझे मारता है, बचपन में भी बड़ा मारा करता था, एक बार मैंने ना उसकी साइकिल तोड़ दी। अच्छा गुस्सा तो आपको ज्यादा आता है बेटा, बस बचपन में वो गुस्सेल था, अब हम गुस्सेल हैं। आप उन पे तरस खाते हैं ना? मैं उन पे तरस खाता हूँ बेटा, नहीं तो तोड़ लाल कर दूँ। आराम से चलाएं। ओ बेटा मैं हैवी ड्राइवर हूँ, ठीक है? मुझे नहीं सिखा गाड़ी चलाना। अच्छा मुझे अभी सही सिखाएंगे ना? ऐसे गियर पकड़ते हैं चाचू, आराम से बोले। जी जी बेटा बात सुनेंगे ना? ऐसे गियर पकड़ते हैं, ऐसे आगे करते हैं, फिर ऐसे आगे करते हैं। अभी देखना मैं कर रहा हूं। ये हां करो करो करो। हां कुछ हां बेटा, हां आराम से आराम से। सही है हां बिल्कुल सही बेटा, तुझे तो पहले ही आती है गाड़ी चलानी। जी जी मैंने बहुत मेरा सिर लगने वाला था हैंडल में, बच गया ना बेटा, काबू होके बैठ, मैंने बोला भी है काबू होके बैठा हूँ। ये बड़ी सपोर्ट कार है। जी जी सपोर्ट, और नशर कितने बेटा, देख कितनी तेज गाड़ी है, इसमें तो पीछे से आग निकल रही है, मुझे लगता है जल जाएगी। 80 की स्पीड में आए मेरा सिर लगने लगता है बार बार, बार बार मेरा सिर लगने लगता है। आराम से मोड़े आराम से बेटा, समोसा खाएं? जी समोसा चाट खाते हैं। चला मैं तुझे समोसा खिलाने ले जाता हूँ, शकूर समोसा, ठीक है? बहुत मजे का बनाता है। चल फिर मुझे आपने सिखानी है ये गाड़ी, ठीक है? गाड़ी मैं तुझे ऐसी सिखाऊंगा बेटा, तू दौड़ाई कर रेसों में, ठीक है? जबरदस्त हो गया।